So guys, I have finally purchased my new camera, which is Nikon Z6. So hello everybody, welcome back to LT Vlogs. So guys, आज हम करने वाले हैं a kind of unboxing of my new Nikon Z6 II camera की. So guys, मैं आपको बता देता हूँ कि अपने को पहले मैं आपको पहले box दिखा देता हूँ, इसका box कैसा है. जैसे आप देख सकते हैं कि box के ऊपर लिखा हुआ है Nikon Z6 II Z series का जो एक camera है, जो कि है एक mirrorless photography camera, professional mirrorless photography camera. ये आता है अपने को 2470 kit के साथ. सो गाइस, ये है मेरे हाथ में 2470 किट लेंस. सो गाइस, ये है 2470 किट लेंस जो कि आता है अपने निकॉन के Z6 II के साथ. जो बॉक्स के अंदर अपने को और क्या क्या चीज़ें मिली हैं. सो गाइस, पहली बात तो हमको मिल जाता है एक ये EL-EL15C बैटरी, जो आप मेरे हाथ में देख सकते हैं. ये है EL-EL15C बैटरी जो कि है एक रिचार्जेबल बैटरी. तो आप इसको कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, अगर इफ़ यू आर शूटिंग टाइम लैप्स और हाइपर लैप्स. सो बैटरी काफ़ी जल्दी खाता है कैमरा ये. अगर आपके पास एक पावर बैंक है तो आप उसको एक्सटर्नल पावर सोर्स दे सकते हो, जो कि है सी टाइप केबल, जिससे आप इस कैमरा को पावर दे सकते हो. EL-EL15C बैटरी है ये. और ये हमें दो बैटरीज मिली हैं इस कैमरा के साथ. ये लेंस का हुड है गाइस, ये देखिए गाइस, ये लेंस हुड है, ठीक है, जो कि लेंस के आगे लगता है अपने. तो इसको आप फिट कर सकते हैं लाइक आप ऐसे. तो फिट करने के बाद, लेंस हुड को फिट करने के बाद, क्योंकि इससे क्या होता है कि अपने जो सन की रेज होती है या लाइट आ रही होती है, तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है. और काफ़ी सही चीज़ है, मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी. देख सकते हैं जेड सीरीज का ये अपना कैमरा स्ट्रैप है, सब देख सकते हैं. तो इसको भी अपन साइड में रखते हैं अभी. अब आते हैं गाइज अपन अपने मेन चीज़ पे, जो कि है कैमरा. सो गाइज, ये है निकॉन का Z6 II, अ प्रोफेशनल फोटोग्राफी कैमरा. जैसे आप देख सकते हैं इसको, मतलब यार इसको पकड़ने के बाद इतना अच्छा फील होता है ना. जैसे आप देखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब चौड़ाई में, मतलब क्यों चौड़ाई में है थोड़ा बहुत, जैसे आप देख सकते हैं. और काफ़ी अच्छा है, मतलब इसकी जो ग्रिप है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रिप, यार ग्रिप इसकी इतनी अच्छी है, मैं आपको बता सकता हूँ. दूसरा, इसके अंदर मतलब आप इसको ऐसा है कि आप इसको एक हाथ से होल्ड कर सकते हो आराम से. जो Nikon Z6 II है, ये एक 24 मेगापिक्सल का कैमरा है. इसके ऊपर अगर आप देख सकते हैं, अगर आप सो गाइस, यहाँ पे दे दिया उन्होंने एक LED स्क्रीन, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके ऊपर फंक्शंस हैं. सो गाइस, मुझे ये कैमरा, मैंने यही कैमरा क्यों परचेज़ किया, और भी कैमराज थे, बट गाइस मैं आपको बताऊँ, मुझे ये कैमरा बहुत पसंद है. मुझे स्टार्टिंग से इसका डिज़ाइन, इसके फंक्शंस, इसकी सब बिल्ड क्वालिटी वगैरह सब बहुत पसंद है. निकॉन यूज़र हैं तो आपको मालूम होगा कि इसको कैसे ऑपरेट करना है. हैं इसकी बैटरी स्लॉट पे, जैसे मैंने आपको बताया, वो नीचे यहाँ से कंपार्टमेंट है इसका. तो आप इसके अंदर यहाँ पे ये अपनी EL-EL15C बैटरी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं लाइक दिस. ये लॉक हो जाता है इसके बाद यहाँ पर, और इसको आप यहाँ बंद कर दो, ठीक है. दूसरी चीज़ हम आते हैं SD कार्ड पे. सो गाइस, मुझे इस कैमरा के साथ एक SD कार्ड मिला है, जो कि है लेक्सर का प्रोफेशनल गोल्ड सीरीज़ का. ये SD कार्ड है 64 GB. सो ये मुझे मिला है, मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस. ये रहा लेक्सर का 64 GB का मेरे को SD कार्ड मिला है. जो तो इसमें एक ख़ास बात और लगी मुझे कि इस ये जो ये कैमरा था, क्योंकि आजकल हर कैमरा के अंदर आते हैं डुअल कार्ड स्लॉट, इसके अंदर भी है डुअल कार्ड स्लॉट, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे. सो मैं अभी इसको पीछे पुश करूँगा और ये ओपन हो गया. तो गाइस, इसके अंदर यहाँ पर दिए हुए हैं दो कार्ड स्लॉट्स, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं. एक है XQD कार्ड और एक लगता है अपना नॉर्मल SD कार्ड, जो कि मेरे हाथ में अभी ये रहा, ठीक है. सो ये जो नॉर्मल मेरे हाथ में अभी SD कार्ड है, सो इसको अपन अभी इसके अंदर इंसर्ट करते हैं. तो यहाँ पर जो ये लॉक दिया है, यहाँ पर अपन इसको इंसर्ट करेंगे. देखो गाइस, ये बहुत अच्छा रहता है कि इसके अंदर आपको डुअल कार्ड स्लॉट मिल जाता है कि XQD कार्ड का, क्योंकि XQD कार्ड काफ़ी फास्ट होते हैं. अगर आप कंपेयर कर रहे हैं SD कार्ड से, तो वो काफ़ी फास्ट होते हैं. बट मुझे जो ये कार्ड दिया गया है 64 GB का, मैं आपको बता देता हूँ, ये एक हाई स्पीड कार्ड है, नॉर्मल कार्ड नहीं है. जो कि अगर आप SanDisk वगैरह के लेते हैं तो ये वैसा नहीं है, थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे आ जाता है. इसकी स्पीड जो है वो है 300 MBPS की स्पीड देता है ये,
जिसकी रीडिंग स्पीड होती है वो है 300 Mbps। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अगर दिख जाता है तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 300 Mbps लिखा हुआ है। तो ये 300 Mbps की जो स्पीड देता है मुझे ये कार्ड, और मैंने इससे काफ़ी पिक्चर्स भी क्लिक करी है, तो वो मैं अभी इस क्लिप के बाद लगाता हूँ। तो पहले आप पिक्चर्स देख लो कि जो मैंने क्लिक करी थी। सो गाइस, ये कैमरा मैंने लेंस के साथ अटैच करके रख दिया है। सो गाइस, आप देख सकते हैं लेंस के साथ कैसा लग रहा है कैमरा देखने में, आप मुझे बताइए कमेंट में कैसा लग रहा है। और अभी हम करने वाले हैं कैमरा स्विच, कि इससे कैसी वीडियो क्वालिटी आती है और जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ तो क्या फ़र्क दिखता है वो आप भी देखो। तो अपन इस कैमरा को लगाते हैं। 1, 2, 3। सो गाइस, दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ दिस कैमरा, एंड जो आपको ऑडियो आ रही है और जो भी आपको दिख रहा है वो सब इस कैमरा से आ रहा है अभी। सो मुझे बताओ कि आपको ये वाली फुटेज कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है देन मेक श्योर दैट यू हिट लाइक एंड कॉमेंट बिलो। आने वाले जितने ब्लॉग्स हैं वो सारे के सारे मेरे नए कैमरा पे शूट होंगे। सो गाइस, इसके अंदर ऑप्शन है कि आप इसको 4K 30 FPS पे भी शूट कर सकते हो या 60 FPS भी शूट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। काफ़ी अच्छी क्वालिटी आ रही है आई होप, क्योंकि मुझे पता नहीं कॉज, क्योंकि जो मैं कैमरा यूज़ करता था मैं आपको बताता हूँ इस सेकंड। सो गाइस, दिस इज़ माय D5300 कैमरा जो आप देख सकते हैं, ये मेरा D5300 है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसको, तो ये रहा। तो इसके अंदर ये चीज़ थी कि इसके अंदर आपको मिल जाती है फ्लिप आउट स्क्रीन, जैसे आप देख सकते हो ये, ठीक है। तो आपको एक फ्लिप आउट स्क्रीन मिल जाती है जिससे आप अगर आप ब्लॉग कर रहे हो तो आपको काफ़ी आसानी होती है आपको देखने में कि हाँ यार ये कहाँ पे अपन कौन सा पोजीशन ले गए। बट इस कैमरा में वो चीज़ नहीं है। बट यू कैन ऑल्सो कनेक्ट टू अ स्मार्ट डिवाइस, यानी आपके फ़ोन को आप इस कैमरा से कनेक्ट कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है जहाँ तक मुझे मालूम है। सो इससे आप ISO, शटर स्पीड, अपर्चर सब सेट करके और आप इससे वीडियो शूट कर सकते हो, जैसा मैं अभी कर रहा हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा फ़ोन है और इससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, जो आप अपने आप को देख सकते हो। तो ये अभी मैं इस तरह से शूट कर रहा हूँ इसको। सो इसके अंदर ये था मेन कि इसमें आपको फ्लिप आउट स्क्रीन मिल जाती है, इसमें वो नहीं होता। तो आप इसको ऐसे आप देख सकते हैं अपने आप को कि आप कैसे पोजीशन में बैठे हो और उससे भी लगा। तो गाइज, मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो देन मेक श्योर दैट यू हिट लाइक, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल देन फटाफट सब्सक्राइब कर लो, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पर पहुंच जाएगी। दूसरी बात कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। सो वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि सारे रेगुलर अपडेट्स मैं इंस्टा पे देता रहता हूँ। सो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन एंड पीस आउट।